हेलो एवरीवन, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी। देखिए, पहले आप उसकी सामग्री सुन लीजिए। मैंने लिया है 4 प्याज मीडियम साइज़ के, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच कसूरी मेथी सूखी हुई, आधा चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा अचार का मसाला कह सकते हैं आप, अगर आपके यहाँ आम का अचार है, या फिर मैंने सौंफ, धनिया, कलौंजी बिल्कुल आधा चम्मच, आधा कटोरी दही और तलने के लिए ऑयल। कटहल मैं मार्केट से 1 किलो लाई थी, लेकिन ये छीलने के बाद आलमोस्ट आधा किलो रह जाता है। देखिए, ये बाज़ार से ही छिलवा कर लाएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हाथ पे बहुत चिपकता है। आपको शॉप वाला ऐसा काट कर देगा, उसके बाद आपको हाथ पर ऑयल लगा के इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। देखिए, आप छिलवा कर नहीं लाएंगे तो घर में छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए उसी से बोलें, वो छील कर दे देता है, हमारे यहाँ तो दे ही देते हैं छील कर। चलिए, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए, गैस ऑन करते हैं, फ्लेम रखनी है हल्की, ऑयल ऐड करना है। देखिए, तीन स्पून ऑयल डाला है। इसमें ऐड करेंगे जो 4 प्याज थी वो काट ली थी। देखिए, फ्लेम हल्की रखनी है ऐसे। हल्की हीट पर प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन होने के लिए रख देनी है। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है, हम कटहल फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं हल्की स्टीम पर। अब आप फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर लीजिए, कढ़ाई, थोड़ा सा ऑयल। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हल्का सा, बहुत हल्का सा फ्राई करके डालते हैं कटहल, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं फ्राई करके डालती हूँ। देखिए, ये जो कटहल कट किया हुआ था, अब इसे जब तक प्याज फ्राई हो रही है, कटहल भी फ्राई हो जाएगा। कटहल इतनी देर फ्राई नहीं करना है। देखिए, धीरे धीरे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसका कलर चेंज होने लगे, तब तक इसे हल्का सा फ्राई करना है। देखिए, मैंने गैस ऑफ कर दिया है, प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। ये शायद आपको इस वक्त ब्लैक लग रही हो, कुकर की वजह से ये रेड वाली प्याज है, लेकिन ये डार्क नहीं हुई है, आपको डार्क ब्राउन नहीं करनी है, वरना कड़वा टेस्ट आएगा। गैस ऑफ कर चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसे थोड़ा चलाना है। इसे चलाते हुए अब आप गैस ऑन कर लीजिए बिल्कुल हल्की फ्लेम पर। ऐड कर चुके हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, अब ऐड करेंगे दही, धीरे धीरे चलाते हुए दही को अच्छे से ये ऐड हो, हमारी दही ऐड हो गई है इसमें। अब ऐड करने हैं मसाले,
देखिए सभी मसाले, दही, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक ऐड करने हैं। नमक और मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसे 2 से 3 बार चलाना है आपने मसाला डालने के बाद। अब ऐड करेंगे इसमें लाइट ब्राउन किया हुआ कटहल। अभी दिखाती हूँ मैंने आपको कटहल कैसा ब्राउन किया था। देखिए ये कटहल ब्राउन कर लिया था लाइट मैंने। अब इसको मसाले में ऐड करना है। देखिए कटहल ऐड हो गया है, धीरे से जलाना है ताकि मसाला उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए कटहल के अंदर। हल्की आंच पे 2 से 3 बार चलाते हुए देखिए सबसे लास्ट में ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अब आम का अचार, आप चाहें तो बने हुए आम का अचार भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सूखा यूज़ किया है घर में। भूनना बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम कटहल भी हल्का फ्राई कर चुके हैं। अब इसमें ऐड करना है देखिए मसाले मिक्स हो गए हैं, दही मसाले सभी कटहल में। ये सूखी सब्ज़ी है इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ नमक चख लिया जाए, क्योंकि इसमें बाद में नमक ऐड नहीं किया जा सकता, बहुत सूखी हो जाती है, इसलिए नमक चख लें। हल्का लगे तो डाल सकते हैं, मेरा ठीक है इसमें। अब देखिए सबसे ज़रूरी पानी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा पानी जिसमें सीटी आ जाए। पानी ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत थोड़ा सा पानी डालना है। आप देख सकते हैं कितना कम पानी यूज़ किया है। अब इसे लगानी है हमें हल्की आंच पर 1 सीटी। चलिए 1 सीटी आने का इंतज़ार करते हैं। देखिए 1 सीटी आ चुकी है। देखिए कटहल में थोड़ा सा पानी अगर लगे आपको कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है तो आप गैस ऑन कीजिए हल्की आंच पर और 2-3 मिनट के लिए इसे बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। अगर आपको ऐसा ही रखना है अदरवाइज ठीक है, नहीं तो ड्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई कर लेते हैं बिना चलाए। देखिए ड्राई हो गया है कटहल, मैंने इसे चलाया बिल्कुल नहीं है वरना ये टूट जाएगा। आप देख सकते हैं ऑयल निकल आया है साइड से और अच्छे से ड्राई हो गया है। मैं आपको दिखाने के लिए चला रही हूँ वरना मैंने बिल्कुल नहीं चलाया हल्की आंच पे। चलिए कटहल तैयार है, गैस ऑफ करते हैं और सर्व करते हैं। देखिए हमारी कटहल की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब इसे गार्निश करना है हरे धनिए से। उम्मीद करती हूँ
आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।